हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज रमन दीप सिंह एंड टूडे वीआर गोइा द अलाइस फॉर आई बी पी एस आर आ स्केल टू एग्जाम हेल्ड ऑन आई गेस्ट ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर ऑन दिस संडे इट वॉज हेल्ड सो स्टूडेंट्स द पेपर वॉज लिटिल डिफिकल्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस स्पेशली वॉज डिफिकल्ट आई वुड से बहुत सारे डीप क्वेश्चन आए थे अभी तक मेरे पास ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो हैं इतने के क्वेश्चन रिपोर्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने अभी तक जिसमें से तेरह जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पावर कैप्सूल और फाइनेंशियल अवेयरनेस कोर्स में कहूँगा पूरे उसमें से मुझे मिले हैं बारह क्वेश्चन नहीं मिले बट हमें लगता था कि हम तीस के तकरीबन क्वेश्चन हम ढूंढ लेंगे लेकिन फोर्टी क्वेश्चन आते हैं तो भी नहीं पहुँचेंगे बट स्टिल थर्टीन क्वेश्चन इट्स अ क्वाइट रिस्पेक्टेबल नंबर आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव बहुत एक रिस्पेक्टेबल नंबर है मेरे हिसाब से

एंड एक्सिस बैंक अक्वायर करेगा सिटी इंडिया का बिजनेस कंज्यूमर रिटेल बिजनेस दिस वॉज इट वॉज देयर इन द पावर कैप्स्यूल एंड सेंटर हाइक् द शुगर केन एफ आर पी बाय फिफ्टीन रुपीज़ पर क्विंटल इट वॉज नॉट देयर इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस और इन द पावर कैप्स्यूल बट इट वॉज देयर इन द करंट अफेयर सेक्शन ऑफ बैंक एग्जाम डॉट कॉम करंट अफेयर सेक्शन बहुत लेंदी होता है हमारा और आई गेस कुछ एक स्टूडेंट्स ने वो अगर पढ़ा है तो आपको में हमारी कंटेंट uh, में से मिल uh, मिलेगा लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है करंट अफेयर तो वहाँ से नहीं मिलने वाला कु पार्टनर्स विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इवन दैट इट वाज देयर इन द बैंक एग्जाम डॉट कॉम एंड कैबिनेट अप्रूव द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ वन परसेंट ऑन द शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन ये एग्जैक्टली exactly, मुझे नहीं मिला अपने कोर्स में से राइट right? एंड आर बी आई इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ होम लोन दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर यह आर बी आई का एक सर्कुलर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं उसका लिमिट बढ़ गया था इट वॉज कवर्ड इन द यूट्यूब वीडियोज एज वेल यूट्यूब की वीडियोज में भी मैंने ये कवर किया है और जो लाइव क्लास करी थी उसमें भी लाइव क्लास करी थी कोर्स में उसमें भी हुआ था सो विच रेगुलेटरी बॉडी इज नॉट कवर्ड इन द फॉरेक्स रिजर्व ये शायद नहीं कवर किया था ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ मुझे गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इट वाज़ देयर इन द पावर कैप्स्यूल राइट एंड इट वाज़ देयर इन द बैंकिंग डाइजेट इट वाज़ देयर इन द कॉस लाइव पढ़ाया भी था हमने ये राइट एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च इट वॉज देयर इन द जुलाई ट्वेंटी बैंकिंग वन लाइनर्स इट वॉज देयर यू कैन चेक द पावर कैप्स्यूल राइट

मेंबर्स चाइना कजाकस्तान किर्गिस्तान रशिया तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान राइट एंड देर आर फोर ऑब्जर्वर स्टेट्स राइट इंडिया ईरान मंगोलिया एंड पाकिस्तान सो पावर कैप्सूल मंथली डाजा सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ये अवेलेबल था जो सितंबर के करंट अफेयर्स में हमने प्रोवाइड करवाए थे पावर कैप्सूल का जो नया एडिशन आया था उसमें हमने यह कवर किया था वर्जन uh, वन जो था आई गेस वो हम वो हमारा आई गेस बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में लीक हो गया था लीक बोलो मतलब टेलीग्राम का मुझे एक फंडा समझ में नहीं आता टेलीग्राम के जो कुछ एक ग्रुप्स होते हैं वो हम टीचर्स को गालियाँ भी देते हैं और उन्हें हमारे पी भी चाहिए आई मीन वो मैं बात क्लियर कर लेना चाहता हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप्स वाली ठीक है सी टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने कोई ज्वाइन कराया अगर आप उसके एक मेंबर हो उसको एक्टिवली फॉलो करते हो मुझे एक चीज़ समझाओ कि आपको जो टेलीग्राम से डाउनलोड वगैरह करके पढ़ते हो आपको हमारे पीडीएफ भी चाहिए ठीक है आपको हमारे नोट्स चाहिए आपको हमारी यूट्यूब वीडियोस भी देखनी है ठीक है और आपको हमें गालियां भी देनी है ठीक है आ, सारे सारे टीचर्स को ट्रोल भी करना है मुझे समझ में नहीं आता अगर आप एक टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो आप कभी कोई कोर्स नहीं लोगे किसी टीचर्स को आप पे नहीं करना चाहते लेकिन आपको उन टीचर्स का कंटेंट चाहिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल्स वगैरह के जो ओनर्स हैं वो अपनी पी खुद बनाएं वो खुद बनाएँ और वही शेयर करें और उसी को पढ़ के आप पास हो जाए ठीक है मतलब मेरी रिक्वेस्ट सो so, ये मेरी एक रिकमेंडेशन है टेलीग्राम के चैनल ओनर्स को कि अपनी पी वगैरह अपने लेक्चर्स खुद ही बना लें uh, मैंने रिसेंटली एक यू नो एक टेलीग्राम चैनल मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल ओनर ने अपने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पे अपना टेलीग्राम चैनल प्रमोट कर रहे थे और हमारी पी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मैंने वो यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया एनी सो लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग अभी इसको दोबारा करते हैं हाँ द सेंटर अमेंडेड द रूल्स ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये बहुत सारा न्यूज़ में आया था कि आप टेन लाख रुपीज़ तक जो है बिना एनी रिस्ट्रिक्शन के आप दस लाख रुपए तक फॉरन भेज सकते हो नो इश्यूज ठीक है एंड गूगल बैग्ड पेमेंट स्टार्टअप डॉट पे रेजिस फिफ्टी फोर पॉइंट फोर मिलियन डॉलर राइट एंड डिफरेंशियल रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ये डायरेक्टली प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रायरिटी सेक्टर पी एस एल का टॉपिक है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम जो है फिफ्टीन थाउजेंड रुपी तक का लोन जो है वो डी आर आई स्कीम के अंडर आता है सो खरा हुआ है हमने पी एस एल में बट डायरेक्टली पावर कैप्स्यूल में नहीं था आर बी आई विल लॉन्च इट्स डिजिटल करेंसी एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट सो पावर कैप्स्यूल मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू

गवर्नमेंट टू यूज़ पावर सेक्टर इंफ्रा फॉर फाइव जी डिप्लॉयमेंट क्वेश्चन वॉज नॉट क्लियर टू मी एंड वन क्वेश्चन इट वॉज़ कवर्ड इन द यूट्यूब सेशन्स ये यूट्यूब के फ्री सेशन में हमने कवर किया था एन पी एस एन पी एस की एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी हमने डेडिकेटेड टू एन पी एस इवन पी एम किसान गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेशन्स में वी कवर्ड दैट इन द यूट्यूब वीडियो ये यूट्यूब वीडियो में कवर किया गया था An initiative taken by Government of India to control the domestic price of steel. Uh, I guess 3 months ago it happened when Government of India imposed taxes on the export of uh, steel. This happened, right? And then steps taken by the Government of India to mitigate the forex decline. This question was clear. Nahi tha. And there are projects funded by World Bank. This question clear nitha, And Nabat Jeeva project is there. क्वेश्चन ये हमने आई गेस कवर नहीं किया रिलायंस केवीएक्स सोलर प्रोजेक्ट आई अप डिडेंट कवर दैट एंड ऑफ आई पॉलिसीज ये भी क्वेश्चन कोई खास मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया एंड इफ़ देर आर सम क्वेश्चन राइट जो मैंने मिस कर दिए हैं शायद कुछ एक क्वेश्चन शायद हमने मिस कर दिए हैं uh, तो अगर आपके पास हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन हमें बता सकते हो एंड वी टू कवर दैट ओके मेरे हमें इससे ज़्यादा नहीं मिल पाए अगर आपके पास हैं तो गिव गिव इट टू अस दैट वुड हेल्प अस राइट हम सब बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे लेट्स मूव फॉरवर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में पैरा पैराजम्बल्स रीडिंग कॉम्प्रीएशन एरर करेक्शन पॉल्यूशन है ये रिप्लेसिंग विद सूटेबल वर्ड सो रिप्लेसिंग विद सूटेबल वर्ड इज अ यू नो न्यू काइंड ऑफ ये थोड़ा सा डिफरेंट है Uh, इसमें थोड़े से आई वुड से इन नया नए तरीके के क्वेश्चन है ये रिप्लेसिंग विद द सूटेबल वर्ड्स बाकी इट्स सिमिलर राइट क्वानिट एप्टीट्यूड में पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क एवरेजेज डी आई इक्वेशन इन इक्वालिटीज रीजनिंग में सिम्प्लीफिकेशन ऐसे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग uh, में सेलॉजम एल्फानोमैरिक सीरीज पजल्स एंड देन सीक्वेंसेस दीज वर द कांड ऑफ क्वेश्चन आज पजल्स थोड़े डिफिकल्ट आए थे ये सुनने में आया है मैंने खुद तो एग्जाम दिया नहीं स्टूडेंट्स ने बताया स्लाइड ऑटर इन पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज डिफरेंस बिटवीन रोम ई प्रोम ई प्रोम रजिस्टर क्लॉक पाए राइट डिफिकल्टी लेवल कंप्यूटर अवेयरनेस का इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस ईयरस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टूडेंट्स ने बोला डिफ़िकल्ट है uh, मुझे personally, i mean, if i tell you, out of 40, in the financial awareness, 15 to 18 was easily doable. pandana said, 18 question easily doable. They, but there are certain students who attempted 5, 7, 8 questions, which is actually not a good attempt. anything above 12, 13 is a good attempt, right? so, cutoff, what should be the cutoff? for the general category, general category, i would say 65 to 66. एज पर द डिटेल एज पर द मैंने एक फॉर्म दिया था स्टूडेंट्स को अराउंड वन थर्टी स्टूडेंट फिल दैट फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस दिस इज द काइंड ऑफ नंबर इट्स देयर इन माई माइंड कि सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सिक्स दिस इज द नंबर फॉर द जनरल कैटेगरी वट अबाउट द ओ बी सी ओ बी सी का यू कैन से वन टू सिक्सटी थ्री दिस इज़ द नंबर फॉर द ओ बी सी

मतलब दिस इज़ अ स्कैम टीचर्स इवन द स्टूडेंट्स जो पहले पास हो चुके हैं जो पीओ वगैरह के एग्जाम्स देते हैं वो जाते हैं एग्जाम देने एंड दे चार्ज फॉर दैट फिफ्टी थाउजेंड रुपी वन लाख रुपी टू लाख रुपीज़ ऐसा रेट चलता है दो लाख रुपए का फॉर एन एग्जाम गारंटी ली जाती है कोई गारंटी होती, होती नहीं है एडवांस में पैसे ले लिए जाते हैं एंड दैट्स वेरी कॉमन आई हैव बीन ऑफर्ड मनी मल्टीपल टाइम्स मुझे खुद को बहुत बार पैसे ऑफर किए गए हैं एंड इन द बिगनिंग आई पर्सनली वैन आई डेंट नो दीज थिंग्स आई अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम लाइक फोर ईयर्स बैक एंड आई फेल्ट रियली बैड फॉर अदर स्टूडेंट्स उसके बाद मैं नहीं गया कभी एक ही बार गया हूँ एंड दैट्स दैट्स रियली बैड पीपल दे गिव यू रिस्पेक्ट किया आप अच्छा काम करो लेकिन ये अच्छा काम नहीं है क्योंकि सी uh, अगर मैं सेंटर में जब गया था वहाँ पे बारह या तेरह स्टूडेंट्स होंगे जो विजुअली एम्पेयर थे सिर्फ दो आई गेस दो या तीन के पास जो था स्क्राइब था पता चल रहा था तीनों एक तो सिस्टर थी किसी की बाकी टीचर्स थे एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द नाइन टेन स्टूडेंट्स उनके पास कोई स्क्राइब नहीं था सो so, uh, जिनके पास स्क्राइब है उनको एक अन एडवांटेज मिल रहा है और स्पेशली जिनके पास स्क्राइब वो है जो टीचर है वो बहुत अनडीओ एडवांटेज है एंड ट्रस्ट मी जो स्क्राइब हैं वो ही सारा पेपर सॉल्व करते हैं वो ही कर रहे होते हैं साथ में बैठ के दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट दैट इज़ वाई द कट ऑफ एज सिक्सटी कैन यू इमेजिन इफ देर इज़ अ विजुअली इम्पेय स्टूडेंट उसको दस पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं शायद तीस मिनट मिलते हैं जितने आपको मिलते हैं उससे तीस मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं बट उसका कट ऑफ सिक्सटी क्यों है देर शुड बी अ रीज़न राइट जब बी ए का एग्जाम होता है एम ए का एग्जाम होता है उनके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं बिकॉज देर इज अ डिसबिलिटी दिव्यांग हैं वो राइट बट उनका कट ऑफ ओ बी सी से ज़्यादा क्यों है वाई द कट ऑफ ऑफ एस टी इज लोअर देन वी आई दिस इज अ कंसर्न राइट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे हिसाब से एंड द गवमेंट शुड डू समिंग अबाउट दिस राइट माई जॉब इज टू टेल यू हाउ दिस वर्क देर आर स्क्राइब्स हु गिव देअ सर्विसज राइट वो सर्विस देते हैं टीचर्स टीचर्स भी क्या करे बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार जो कमाते हैं एंड उनको कोई एक लाख रुपये ऑफर कर दे वो जाते हैं वो क्यों नहीं जाएंगे वो जाते हैं राइट right? और इट्स नॉट इल्लीगल ये कुछ इलीगल तो है नहीं है वो वहाँ पे जाके दे शो देर कार्ड राइट आई डी आधार एंड दे जस्ट अ पेयर फॉर द एग्जाम राइट So that's something that there is a problem in the policy, according to me. And it's very common in the IBPS, PO, clerk, uh, SO, all these exams. I don't think uh, it's very common in UPSC, but IBPS exams, mein, this is very common. I have seen it. Even I know some people who provide such services, right? I mean, I have seen people providing such services. Uh, it's very bad. I know people who are charging money. I People have offered me money right i have been offered money i have seen people taking money i have seen people you know giving guarantee that you'll crack the exam give us 2 lakh rupees right very common i have seen people getting scammed so these things are very common and uh, uh, i'm concerned right about the you know there are students who are actually good bothi uh, bright students who are able to score like 54 55 without any help of scribe what about them somebody should speak for them nobody is speaking for them right so i wanted to share this so i share it the cutoffs are there right and please like this video and share this video with your friends right whoever appeared for the scale 2 scale 3 exam right and that would help them as well and that's actually all for today students uh like this video Share this video with your friends and subscribe the channel. That would help you. Okay. Thank you and have a very nice day. Bye bye.